हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डॉक्सोलिन एम टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। डॉक्सोलिन एम टैबलेट का मुख्य इस्तेमाल अस्थमा की समस्या दूर करने में किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, इस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। जाइडस हेल्थ केयर कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी मेडिकल स्टोर पर 58 रुपये में आसानी से मिल जाएंगी। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। डॉक्सोलिन एम टैबलेट में डॉक्सोफाइलिन IP 400 mg, मोंटिलोकास्ट IP 10 mg यह कंटेंट समझते है। इसमें मौजूद डॉक्सोफाइलिन यह ड्रग वायुमार्ग की दीवारों की मांसपेशियों को आराम देता है, जिससे वायुमार्ग खुला हो जाता है और सांस लेने में परेशानी नहीं होती है। मोंटिलोकास्ट यह ड्रग वायुमार्ग और नार्क के मार्ग के सूजन को कम करता है, इससे अस्थमा और एलर्जी के लक्षण भी कम होते हैं। बात करते हैं इस टैबलेट की यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का इस्तेमाल दमा, सांस फूलने की समस्या, अस्थमा, एक्सरसाइज करते समय सांस फूलना, दम लगना, COPD यानी कॉर्निक एब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर की समस्या दूर करने में इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बात करते हैं इस टैबलेट के डोसेस की। आप अपनी समस्या बताकर इस टैबलेट का डोस अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें, इस टैबलेट को हमेशा डॉक्टर की सलाह से यूज करें। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये टैबलेट दिन में एक बार एक निश्चित समय पर अपने डॉक्टर के सलाह के अनुसार ले सकते हैं। साइड इफेक्ट, इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्प्रभाव। यदि आप इस टैबलेट का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की अनुमति से करते हैं या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको पता के कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि आपको पता है कि कुछ साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको मितली, उल्टी, पेट खराब होना, दस्त, कब, छाती में दर्द, चिंता, सिर दर्द ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट में मौजूद किसी कंटेंट से एलर्जी है या फिर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। अगर आपका किडनी से जुड़ा या फिर लिवर से जुड़ा कोई ऑपरेशन या फिर प्रॉब्लम हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। अगर आप पहले से ही कोई अन्य टैबलेट ले रहे हो तो इसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।